अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अबाउट दिस डे इन हिस्ट्री, यानी कि 18 नवंबर, जी हाँ 18 नवंबर से जुड़े उन सभी हिस्टोरिकल फैक्ट्स और इवेंट्स की जो आपकी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक साबित होंगे और जिनको जानना और याद रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के दिन से जुड़े अपने पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट की, जो हुआ था 1901 में, व्हेन द फेमस मराठी फिल्म मेकर, फिल्म प्रोड्यूसर एंड एक्टर वी शांताराम वाज बोर्न। आज ही के दिन जाने माने फिल्म मेकर वी शांताराम जी का जन्म हुआ था महाराष्ट्र स्टेट के शोलापुर शहर में। शोलापुर शहर की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो आपको ये बताए बिना नहीं रह सकते कि यहाँ भारत का एक जाना माना इंस्टीट्यूट स्थित है, जिसको कि हम नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पोमोग्रेनेट के नाम से जानते हैं, यानी कि अनारों के ऊपर रिसर्च करी जाती है। ये भी याद रखिए आप कि शोलापुर में बनाई गई कॉटन की बेडशीट यानी कि शोलापुरी चादरें विश्व भर में अपने काम और अपने मटेरियल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनफैक्ट ये वो पहला प्रोडक्ट था महाराष्ट्र से जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था। अब अगर वापस चल के एक विस्तृत चर्चा कर ली जाए अबाउट वी शांताराम, देन इनका पूरा नाम है शांताराम राजाराम वनकुंद्रे और इनको शांताराम बापू के नाम से भी बुलाया जाता था। ये एक मराठी फिल्म मेकर, फिल्म प्रोड्यूसर तो थे ही और इन्होंने अपने एक्टिंग का डेब्यू यानी कि एक्टिंग की शुरुआत करी थी साइलेंट फिल्म से जिसका नाम था सुरेखा हरण इन द ईयर 1921। इनको प्यार से अन्ना साहिब के नाम से भी बुलाया जाता था। ये सिनेमा का इस्तेमाल सामाजिक परिवर्तन और सोशल वेलफेयर का मैसेज देने के लिए करना चाहते थे। ही डायरेक्टेड हिज फर्स्ट फिल्म कॉल्ड नेताजी पलकार इन 1927 और 1929 में इन्होंने सह स्थापना की थी एक फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी की जिसका नाम था प्रभात फिल्म कंपनी। 1942 में इनके द्वारा एक और प्रसिद्ध फिल्म स्टूडियो की स्थापना करी गई जिसका नाम था राजकमल कला मंदिर। ये आज की तारीख में भी बॉम्बे में स्थित इंडिया का एक जाना माना फिल्म स्टूडियो है। इन 1985 इनको फेमस दादा साहिब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था एंड इन द ईयर 1992 ही वाज आल्सो गिवन पद्म विभूषण अवार्ड पोस्थमसली, यानी कि इनकी मृत्यु के बाद। बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इनकी पिक्चर 2 आंखें 12 हाथ को सिल्वर बेयर पुरस्कार दिया गया, जो कि वहां का एक बहुत स्पेशल पुरस्कार होता है फ्रेंड्स। और इनकी फेमस किताब शांताराम वाज पब्लिश्ड इन बोथ हिंदी एंड मराठी लैंग्वेजेस। इनके ऑनर में एक पोस्टेज स्टैंप भी इशू किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन द ईयर 2001 ऑन द डे ऑफ 17th November। इनफैक्ट 18 नवंबर 2017 में यानी कि इनकी 116th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए गूगल ने इनको ऑनर किया था बाय इशूइंग अ गूगल डूडल ऑन देयर इंडिया फ्रंट पेज। इसके साथ फ्रेंड्स चलते हैं आज के अपने अगले फैक्ट की तरफ, जो कि हुआ था 1910 में जब प्रसिद्ध इंडियन रेवोल्यूशनरी एंड इंडिपेंडेंस फाइटर बटुकेश्वर दत्त जी का जन्म हुआ था। बटुकेश्वर दत्त, जिन्हें बी के दत्त के नाम से भी जाना जाता है, एक मशहूर क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे भारत के, जिन्हें खास तौर पे 1929 के केंद्रीय विधानसभा बम विस्फोट मामले में शामिल होने के लिए याद किया जाता है। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 में पश्चिम बंगाल में स्थित उरी नामक एक गांव में हुआ था। कानपुर में वह महान क्रांतिकारी नेता भगत सिंह से मिले और चंद्रशेखर आजाद से भी इनकी काफी घनिष्ठ दोस्ती हो गई। इस वजह से इनका रुझान पूर्ण रूप से भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ता ही चला गया। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA में शामिल हो गए और बम बनाने की क्रिया सीख ली। अब HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम तो हमारे सारे दोस्तों ने सुना ही होगा, कितना प्रसिद्ध है भारत की हिस्ट्री में, कितना याद किया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन को अपने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए। इसका संगठन 1923 में राम प्रसाद बिस्मिल और उनके एसोसिएट्स के द्वारा किया गया था। और ये भी आपको याद होगा कि किस प्रकार 1928 वर्ष में इस पार्टी का नाम बदल के हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन कर दिया गया था, यानी कि HSRA, प्राइमरली ऑन द इंसिस्टेंस एंड सजेशन ऑफ भगत सिंह। बटुकेश्वर दत्त को भगत सिंह के सहयोगी के रूप में सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग केस में
बहुत ही याद किया जाता है उनकी खास और बहुत ही बहादुरी वाली भूमिका के लिए। भगत सिंह द्वारा प्रस्ताव जो बनाया गया था वो कुछ इस प्रकार था कि सिंह और दत्त दोनों ही केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट करेंगे, सिर्फ इसलिए कि वो ब्रिटिश सरकार तक अपना ये मैसेज पहुंचा सकें कि भारतवासी कितना परेशान थे उनकी कुछ एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज की वजह से। यह रक्षा अधिनियम 1915 को पारित करने के ब्रिटिश फैसले के जवाब में योजना बनाई गई थी जिसने पुलिस की शक्तियों को व्यापक रूप से बढ़ा दिया था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विजिटर्स गैलरी में दो बम फेंके। जैसे ही हॉल में धुआं भर गया दोनों युवा कट्टरपंथी चिल्लाए इनकलाब जिंदाबाद। उन्होंने पर्चे फेंके जिसमें साफ साफ ये लिखा था कि घटना व्यापार विवाद और सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को रोकने के लिए की गई थी जो विधानसभा में प्रस्तुत किया जा रहा था। ये भी लिखा गया था कि किस तरह राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु से बहुत ज्यादा प्रतिशोध भर गया है भारतीयों में। बोथ भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त वर सेंटेंस्ड टू लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट एंड सेंट टू द सेल्यूलर जेल इन पोर्ट ब्लेयर। अब सेल्यूलर जेल का नाम भी बहुत मशहूर है, आप सबों ने सुना होगा कि किस प्रकार अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर शहर में ये जेल स्थित है जहाँ ब्रिटिश सरकार द्वारा काला पानी की सजा सुनाई जाती थी कई सारे हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों को उनकी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज के लिए। अब भगत सिंह को तो मौत की सजा सुना दी गई थी एंड 23 मार्च 1931 में उनका दुखद एग्जीक्यूशन भी हो गया था, लेकिन बटुकेश्वर दत्त ने जेल से रिलीज होने के बाद जोर शोर से फ्रीडम स्ट्रगल और नोटेबली क्विट इंडिया मूवमेंट में भी भाग लिया था। विद दिस हम चलते हैं आज के अगले फैक्ट की तरफ और ये जुड़ा हुआ है वर्ष 1973 से व्हेन द रॉयल बंगाल टाइगर वाज गिवन द स्टेटस ऑफ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्र पशु के रूप में रॉयल बंगाल टाइगर को चुना गया था। पीला और धारीदार चमड़ी वाला बाघ जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइगरस लिनियस भारत का राष्ट्र पशु चुना गया, लेकिन इसको चुनने के पहले 1972 तक, जी हाँ आप जरूर याद रखिए फ्रेंड्स, 1972 के पहले तक शेर यानी कि लायन हुआ करता था भारत का राष्ट्रीय पशु, लेकिन शालीनता दृढ़ता चपलता और अपार शक्ति के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। बाघ की 8 प्रजातियों में से भारत में पाई जाने वाली बाघ प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के रूप में जाना जाता है और 1972 में टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करने के बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट, जिसको कि हम प्रोजेक्ट टाइगर भी कह सकते हैं, उसकी शुरुआत कर दी थी इन द ईयर 1973। समूचे भारत के दृष्टिकोण से अगर चर्चा करी जाए तो मध्य प्रदेश, कर्नाटका और उत्तराखंड जैसे स्टेट्स में अधिकतर टाइगर पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है, लेकिन अगर बात करी जाए इस नेशनल एनिमल के कुछ रिमार्केबल फीचर्स यानी कि इस खास एनिमल की विशेषताओं की, तो आप याद रखिएगा कि टाइगर्स आर द लार्जेस्ट स्पेसिमेन इन द कैट फैमिली, यानी कि सबसे बड़ा प्राणी है कैट फैमिली का। बाघ की 8 उप प्रजातियां भी हैं, जैसे कि रॉयल बंगाल, इंडो चाइनीज, सुमात्रन, अमूर और साइबेरियन, साउथ चाइना, कैस्पियन जावा एंड पाली। और भी देशों का नेशनल एनिमल है टाइगर, जैसे कि बांग्लादेश, साउथ कोरिया, वियतनाम एंड मलेशिया। अगर आपसे पूछा जाए अबाउट द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि NTCA, तो प्लीज आप जरूर याद रखिए अपने एग्जाम्स के पॉइंट से कि इसकी स्थापना दिसंबर 2005 में करी गई थी और मुख्य उद्देश्य था यह भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर के पुनर्गठन, प्रबंधन और भारत के कई टाइगर रिजर्व्स के मैनेजमेंट के लिए गठित किया गया था। विद दिस नाउ लेट्स गो टू द अदर फैक्ट ऑफ द डे, जो कि हुआ था फ्रेंड्स इन 1978 व्हेन द वेरी फेमस अभिनेता और निदेशक धीरेन्द्रनाथ गांगुली का निधन हो गया था। धीरेन्द्रनाथ गांगुली एक लोकप्रिय कलाकार थे जिनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। गांगुली ने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी की थी और हैदराबाद में स्टेट आर्ट स्कूल के प्रधान अध्यापक भी बने। उन्होंने 1915 में अपने मेकअप टेक्निक्स की तस्वीरों की एक बड़ी फेमस जानी मानी पुस्तक इशू करी थी जिसका नाम था भाव की अभिव्यक्ति। उन्होंने अपनी इस मेकअप की कला को कईयों को सिखाया, ब्रिटिश भारत में भी और स्वतंत्र भारत में भी कई अधिकारियों ने उनसे इस तरह की ट्रेनिंग ली, स्पेशली जो CID के क्षेत्र में काम करते हैं। धीरेन्द्रनाथ गांगुली का परिवार बारीसाल से संबंधित था जो कि इस समय बांग्लादेश में स्थित है। इन्होंने कई फिल्म निर्माण कंपनियों की स्थापना की थी जैसे कि इंडो ब्रिटिश फिल्म कंपनी, ब्रिटिश डोमिनियन फिल्म्स और लोटस
पिक्चर्स फिल्म कंपनी। इनकी ज्यादातर फिल्म्स हास्य यानी कि कॉमेडी जॉनर से संबंधित होती थी और इनके योगदानों के लिए इनको कुछ बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार भी दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, जैसे कि इन द ईयर 1974 ही वाज ऑनर्ड विद द पद्म भूषण अवार्ड। 1975 में इनको दिया गया था प्रसिद्ध दादा साहेब के अवार्ड। वर्ष 2013 में इंडिया पोस्ट ने इनको सम्मानित भी किया बाय इशूइंग अ कोमेमोरेटिव स्टैंप टू ऑनर धीरेन्द्रनाथ गांगुली। विद दिस अब चलते हैं आज के अगले फैक्ट की तरफ, जो कि हुआ था 2017 में यानी कि हाल ही में कुछ वर्ष पहले। इंडियन एक्ट्रेस एंड मॉडल मानुषी छिल्लर वाज क्राउन्ड एज द मिस वर्ल्ड। मानुषी छिल्लर का जन्म 14 मई वर्ष 1997 में हुआ था। उन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2017 प्रतियोगिता में हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें उन्होंने जीत भी हासिल करी। छिल्लर मिस वर्ल्ड पेजेंट जीतने वाली भारत की छठी प्रतिनिधि हैं, यानी कि द सिक्स्थ इंडियन वुमन टू एक्चुअली विन द अवार्ड ऑफ मिस वर्ल्ड एंड शी इज आल्सो इंडियाज फोर्थ Beauty with a Purpose winner at the Miss World competition. She is also the very first woman to win Miss World and Beauty with a Purpose titles jointly. Manushi Chiller ke Beauty with a Purpose project ka title tha Project Shakti. Is campaign ki goal thi to create awareness about menstrual hygiene in women. She has visited more than 20 villages to work on this project aur kai mahilaon ka grameen ilakon mein inhone muft mein upchar bhi kiya. Inke Beauty with a Purpose campaign Project Shakti ko गवर्नमेंट से 18 करोड़ रुपयों के तकरीबन की राशि का एड भी दिया गया। शी हैज आल्सो बीन ऑनर्ड विद द स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड एट द 2017 CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड्स फॉर विनिंग द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड। अपने विमेन हेल्थ केयर और हाइजीन प्रोजेक्ट के अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए इन्होंने कई देशों का दौरा किया है, जैसे कि US, ब्राजील, फिलीपींस एंड साउथ अफ्रीका। हरियाणा सरकार के द्वारा अनीमिया यानी कि खून की कमी जो कि अक्सर औरतों में पाई जाती है, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्टेट अम्बेसडर भी इनको नियुक्त किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। और वर्ष 2020 में इन्होंने यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेट किया है टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन द कोरोना वायरस पैंडेमिक। प्रेजेंटली शी इज आल्सो परस्यूइंग अ करियर इन मेडिकल साइंसेज एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज आल्सो अ प्रोफेशनली ट्रेन्ड कुचिपुड़ी डांसर। इन सभी फैक्ट्स की चर्चा के पश्चात दोस्तों आज के फैक्ट्स को हम यहीं क्लोज करते हैं, लेकिन अब चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं आज हमारे पास इन सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे बेस्ड। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज, वेयर इज द फेमस फिल्म स्टूडियो राजकमल मंदिर सिचुएटेड। कहां स्थित है जाना माना फिल्म स्टूडियो राजकमल मंदिर? ऑप्शंस आपके पास हैं ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी पुणे या फिर डी चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु हैड एस्टैब्लिश्ड द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन? किसने की थी स्थापना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की? ऑप्शंस हैं ए चंद्रशेखर आजाद, बी भगत सिंह, सी सुखदेव या फिर डी रामप्रसाद बिस्मिल। क्लियरली हमने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को आज के ट्यूटोरियल में, इसलिए हमारे दोस्तों ने अगर ध्यान से सुना होगा तो उन्हें अवश्य इसका उत्तर पता होगा। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है आज से जुड़ा, और ये कहता है इन विच ईयर वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया? किस वर्ष किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च? ऑप्शंस हैं 1976, 1989, 1972 एंड 1973। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु रिलीज्ड हिज बुक ऑफ फोटोग्राफ्स जिसका नाम था भव की अभिव्यक्ति? And the options are right here: A. Dhirendranath Ganguly, B. J.F. Madan, C. V. Shantaram, ya fir D. Nitish लहरी। The next question says, who became the sixth Indian woman to win the Miss World crown? कौन बनी थी छठी भारतीय महिला to win the title of Miss World? Options कुछ इस प्रकार हैं कि A. प्रियंका चोपड़ा, B. मानुषी छिल्लर, C. डायना हेडन या फिर D. युक्ता मुखी। इन सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन पे बेस्ड सवालों के बाद हम आज के सेशन को फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। विद दिस आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन।